मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हां फ्रेंड्स, क्वेश्चन आंसर सीरीज का ये फोर्थ वीडियो है, जिसके अंदर आपके यूट्यूब वीडियोस के नीचे जो कमेंट्स होते हैं उस क्वेश्चंस के रिप्लाई देते हैं। तो आज का जो पहला सवाल है वो ये है कि अगर आपने रिक्लेम ऑफ आईटीसी किया है, रिक्लेम ऑफ आईटीसी का क्या मतलब? रिक्लेम ऑफ आईटीसी का मतलब होता है कि लेट सपोज आपने किसी इनवॉइस के ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया था, और क्लेम करने के बाद उस इनपुट टैक्स क्रेडिट को आपने रिवर्स कर दिया। फॉर एग्जांपल, आपने आईटीसी लिया और उस बिल का 180 दिन के अंदर पेमेंट जो है वो नहीं किया, तो उसके बाद आपको वो आईटीसी रिवर्स करना होता है एज पर रूल। तो आपने 180 डेज के बाद वो आईटीसी रिवर्स कर दिया है। अब रिवर्सल करने के बाद आपने उसका पेमेंट जो है वो भी कंप्लीट कर दिया। तो नियम ये कहता है कि जब आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट को रिवर्स करने के बाद उस बिल का पेमेंट किया, तो अब आप उस आईटीसी को रिक्लेम कर सकते हैं। तो ये रिक्लेम्ड आईटीसी 3B में आप कहां दिखाएंगे? आप बिल्कुल इस चीज को समझ लीजिए कि आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट जो रिक्लेम करना है वो 3B के अंदर ऑल अदर आईटीसी वाले सेक्शन में क्लेम करना है। अगर आपने उसी हेड का इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है पहले क्लेम किया था, बाद में रिवर्स किया है, अब आप दोबारा उसे रिक्लेम करना चाहते हैं, तो इस चीज में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आप लोगों को कि रिक्लेम ऑफ आईटीसी जो है उसके लिए कोई अलग हेड बनाया गया है क्या 3B में। ऐसा कोई भी अलग से हेड जो है वो आपको नहीं दिया जाएगा। ऐसी ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए आप जुड़ सकते हैं ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के साथ, जिसके अंदर आपको फ्री टेस्ट सीरीज जो है वो प्रोवाइड की जा सकती है, जिसमें MCQ के टेस्ट होते हैं, डायरेक्ट टैक्सेशन, इनडायरेक्ट टैक्सेशन से रिलेटेड, इनकम टैक्स के अंदर आपके कुछ क्वेश्चन है तो वहां पर आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं, ऑडिटिंग से रिलेटेड लॉ के जो पेपर्स होते हैं उसके भी क्वेश्चन आपको वहां पर दिए जाते हैं विद इन स्पेसिफिक टाइम। आप उन सारी चीजों का वहां पर आंसर दे करके अपने आप को चेक कर सकते हैं कि आपकी तैयारी किस तरीके से चल रही है। इसके लिए आपको अनअकैडमी का मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड कर लेना है, और डाउनलोड करने के बाद स्कॉलरशिप टेस्ट जो है वो आप स्टार्ट कर सकते हैं, जिसके लिए आप हमारा अनलॉक कोड, जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म का अनलॉक कोड 10GP10 जो है वो यूज कर सकते हैं, जिसकी मदद से आपको 10% का स्पेशल डिस्काउंट जो है वो भी दिया जाएगा। तो अब आप अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म को यूज करके अपनी नॉलेज को जो है वो और भी ज्यादा इनहेंस कर सकते हैं। अब यहां पर जो दूसरा सवाल आता है वो क्या है? जो दूसरा सवाल है वो ये है कि अगर आपने कोई शिपिंग चार्जेस पे किए हैं, अब ये शिपिंग चार्जेस के ऊपर क्या आपका RCM लगेगा या नहीं? शिपिंग चार्जेस अगर वो ट्रांसपोर्टेशन के नेचर का है, यानी कि शिपिंग चार्जेस अगर किसी GTA के थ्रू दिया गया है, यानी कि आपने ट्रांसपोर्टेशन सर्विस ली है, तो आपको रिवर्स चार्ज पे करना है। लेकिन कोई कुरियर सर्विसेज हैं या ऐसी कोई सर्विसेज हैं जो कि रजिस्टर्ड पार्टी से है और सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 के अंदर फॉल नहीं करती, तो आपको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर टैक्स पेमेंट करने की कोई लाइबिलिटी नहीं बनेगी, क्योंकि शिपिंग चार्जेस जो है वो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के डेफिनेशन में क्लियर कट तरीके से नहीं आती है। शिपिंग चार्जेस जो है वो कोरियर चार्जेस के थ्रू आपको चेक करना पड़ेगा। तीसरा सवाल ये आता है कि रूल 86B जो हमारा है उसके अंदर जो 1% की लाइबिलिटी कैश में पे करने की बात आती है, तो इसके जो टोटल टैक्सेबल वैल्यू 50 लाख रुपए की है, क्या उसमें एक्सपोर्ट के इनवॉइसेस को ऐड करना है, क्या उसमें एग्जम्प्ट इनवॉइसेस को ऐड करना है? तो आपको ये चीज पता होना चाहिए कि ये जो 50 लाख की लिमिट है इसमें एग्जम्प्ट टर्नओवर या फिर एक्सपोर्ट टर्नओवर इंक्लूड नहीं करते। सिर्फ और सिर्फ हर महीने आपको अपना टोटल टैक्सेबल वैल्यू देखना है, जिसके ऊपर आपको इंडिया के अंदर बिजनेस करने में टैक्स लायबिलिटी जिस पे किया जाता है
सिर्फ और सिर्फ उसी लाइबिलिटी के ऊपर जो है आपको टोटल टैक्सेबल वैल्यू का 50 लाख रुपए चेक करना है कि वो कंप्लीट हो रहा है या नहीं। एक्सपोर्ट टर्नओवर और एग्जम टर्नओवर आप इसके अंदर नहीं रखेंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपको प्रैक्टिकल और प्रोफेशनल लाइफ में ध्यान रखनी है अपने पेपर्स के लिए और अपनी प्रैक्टिस के लिए। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चंस जो हैं वो अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। ऐसे ही क्वेश्चंस आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अगले क्वेश्चन आंसर सीरीज में आपके सवालों का जवाब भी दिया जाएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।